इस वीडियो में हम बात करेंगे पुल्लालूर की लड़ाई के बारे में, जानेंगे ये लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, साथ ही साथ जानेंगे कि इस लड़ाई में विजयी कौन हुआ था। तो चलिए करते हैं शुरू। पुल्लालूर की लड़ाई चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच 618 से 619 के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई तमिलनाडु के कांचीपुरम यानी के पुल्लालूर शहर में हुई थी। इस लड़ाई में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। तो ध्यान रखना है, जो पुल्लालूर की लड़ाई थी 618 ईस्वी से 619 ईस्वी के बीच लड़ी गई थी, और कहां पर हुई थी, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में यानी पुल्लालूर में, इसलिए इसे पुल्लालूर की लड़ाई भी कहा जाता है। और इस लड़ाई में जो चालुक्य राजा कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी, और महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश के राजा थे ये हार गए थे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।